Hello students, welcome to Science Pedagogics. Children, today's topic is Dalton's atomic theory. Actually, after observing laws of chemical combinations, law of conservation of mass, constant proportion, multiple proportion, इन सब की स्टडी करने के बाद में डॉल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की इन 1808 एंड दैट थ्योरी वाज नोन एज डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो लेट अस डिस्कस द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी. द फर्स्ट पोस्टुलेट सेज दैट मैटर इज मेडअप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. जो पहला इसका पोस्टुलेट है वो ये बताता है कि मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, किसी भी स्टेट के अंदर हो, बट ईच एंड एवरी मैटर इज वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम. सिमिलरली जैसे बॉडी है उसकी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग यूनिट है सेल, इसी तरीके से मैटर की जो बिल्डिंग यूनिट है बेसिक फंक्शनल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट दैट इज एटम. सो फर्स्ट पोस्टुलेट मैटर इज मेडअप ऑफ very small indivisible. okay, means he told ki atom ko further divide nahi kiya ja sakta. indivisible particles known as atom. okay, second postulate. according to second postulate that atoms of same element are identical in all respect. atoms of same element. So first let us write this one. atoms of same element are identical in all respect. okay, अब ये identical word का meaning क्या है? What is the meaning of identical? identical means अगर हमारे पास वन ब्लॉक आयरन का है, कोई भी एक हमने आयरन का ब्लॉक ले लिया, कंटिन्यूस ब्रेकडाउन के बाद, ग्रेजुअल ब्रेकडाउन के बाद हमें लास्ट में जो पार्टिकल्स मिलेंगे, दीज पार्टिकल्स आर एटम्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. तो जितने भी पार्टिकल्स उसके अंदर हमें आयरन के मिलेंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे. आइडेंटिकल मीन्स उनकी शेप सेम होगी, एटॉमिक साइज सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी. ओके, सो एंड मास ऑल्सो मीन्स दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज विच शुड बी सिमिलर और विच हैव टू बी सिमिलर फॉर ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सिंगल ऑल एटम्स प्रेजेंट इन सेम एलिमेंट. ओके, सो हियर द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल मीन्स ऑल दे ऑल हैव सेम शेप साइज chemical properties, okay, and mass also. But if we talk about atoms of different elements, आपने एक आयरन का ब्लॉक लिया, एक कॉपर का ब्लॉक लिया, okay? तो आयरन के जितने भी एटम्स हैं वो कॉपर के एटम्स के सिमिलर नहीं होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे. ऑल द एटम्स ऑफ आयरन हैव डिफरेंट फ्रॉम atoms of copper. okay, so second is that atoms of different elements are different from each other. clear means डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो एक दूसरे से शेप में, साइज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में एंड मास में डिफरेंट होते हैं. नाउ द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज दैट एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉर बी क्रिएटेड. कि एटम को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट इज दैट
atom is the smallest particle which takes part in chemical reaction. यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर फॉर्मेशन हो गया, कार्बन बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, मींस कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सो एनी केमिकल रिएक्शन, वेदर इट इज सिंपल रिएक्शन और वेदर इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, इन ईच एंड एवरी रिएक्शन एटम टेक्स पार्ट. ओके, बेसिकली जब भी एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, एटम्स टेक्स पार्ट इन दैट केमिकल रिएक्शंस. ओके, एंड लास्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी टेल्स दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स react with each other and form compounds. Okay, यानी एटम जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में रिएक्ट करके स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं. सो दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. Now, this theory has some of the limitations also. It would be very well explained all laws of chemical combination. Dalton atomic theory ने जो है वो chemical combinations के जितने भी laws के थे उन सबको तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने explain किया. But still, there are some of the points which cannot be explained on the basis of Dalton's atomic theory. For example, अगर हम बात करें कि इसने कहा अकॉर्डिंग टू डाल्टन दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. नाउ आफ्टरवर्ड्स देयर इज अ डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स. अब आइसोटोप की अगर हम बात करते हैं तो आइसोटोप एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. फॉर एग्जांपल आइसोटोप ऑफ कार्बन C12 एंड C14. कार्बन जो है वो बेसिकली दो आइसोटोपिक फॉर्म में नेचर में मिलता है, C12 एंड C14. अब इसका जो एटॉमिक मास है, इसमें कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 यूनिट है, C14 में कार्बन का एटॉमिक मास है 14 यूनिट. सो दीज टू एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब ये दोनों एटम है तो कार्बन के ही, बट दीज आर नॉट आइडेंटिकल. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि एक एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल हो ये कोई जरूरी नहीं होता. अगर वो एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट है तो उसके एटम्स भी जो है वो डिफरेंट आइसोटोप के एटम्स डिफरेंट ही होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब डॉक्टर ने तो बताया कि अलग अलग एलिमेंट है उसके एटम्स भी अलग होंगे, बट अगेन देयर इज वन एक्सेप्शन एंड दैट एक्सेप्शन इज आइसोबार्स. ओके, दैट एक्सेप्शन इज आइसोबार्स. अब आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स एक्चुअली डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम हैं जिनका एटॉमिक मास एटॉमिक साइज सिमिलर होता है. ओके, आइसोबार मीन्स एटॉमिक मास तो सेम है बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट. आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, देयर मास नंबर इज सेम. ओके, मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट. क्लियर? दीज आर आइसोटोप्स. Now let us discuss the examples of isotopes. Isobars, calcium, okay, and argon. Atomic mass of both is 40.
दोनों का एटॉमिक मास क्या है 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 है और आर्गन का कितना है 18, ओके। सो आर्गन्स एटॉमिक नंबर इज 18 एंड कैल्शियम्स एटॉमिक नंबर इज 20, दिस इज द एटॉमिक नंबर। तो अगर हम इन दोनों के एटम को कंपेयर करें तो क्या होगा, मास तो सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। सो आइसोबार्स आर द लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस ऑफ थर्ड पॉइंट दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन यहाँ तो सेम है, ये डिफरेंट नहीं है। सो दिस इज वन मोर एक्सेप्शन और वन मोर लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। अब डाल्टन के अकॉर्डिंग तो ये है कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बट चिल्ड्रन, नाउ ऑल ऑफ अस नो दैट एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दीज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रोटोन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो एटम्स कैन बी डिविजिबल, एटम को फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। एंड इवन दैट वन एटम कैन, वन एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी ट्रांसफर और कैन बी कन्वर्ट इन टू एटम ऑफ अनादर एलिमेंट। मीन्स कि अगर आपके पास नाइट्रोजन का एटम है तो आप उसमें एक्सरे से एप्लीकेशन, एक्सरे से रिएक्शन करवा करके नाइट्रोजन के एटम को आप ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। यानी एक एलिमेंट के एटम को हम दूसरे एलिमेंट के एटम में बदला जा सकता है, किससे बदला जा सकता है, एक्सरे से, ओके। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसम्यूटेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। यानी ट्रांसम्यूटेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड एज वेल एज एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो अगेन दिस इज द वायोलेशन ऑफ डाल्टन्स पोस्टुलेट दैट एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब ये बात तो सही है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। बट व्हाई एटम पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, एटम पार्टिसिपेट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों बनाते हैं, दैट वॉज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर ऑल द साइंटिस्ट एट दैट टाइम, ओके। डाल्टन ने ये तो बता दिया कि एटम्स रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, बट वाई ही कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रीजन दैट वाई एलिमेंट्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर, ओके। सो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस वन। देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड्स। चलो मान लिया कंपाउंड का फॉर्मेशन भी हो गया, Y का रीजन भी नहीं पता, बट विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बाइंड दीज एटम्स। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो O2 इसका फॉर्मूला है, ऑक्सीजन गैस का, ओके। अब ऑक्सीजन का एटम तो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता, बट O2 ऑक्सीजन गैस फ्री स्टेट में मिलती है। इट मीन्स दैट ऑक्सीजन एटम्स दे टू और मोर देन टू ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, तो इनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसके अंदर ऑक्सीजन के दो एटम्स को बाइंड करके रखता है। अगेन दैट वॉज अ बिग क्वारी, दैट वॉज अ बिग मिस्ट्री एट दैट टाइम, कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइंटिस्ट को नहीं पता चल पाया। सो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स, और नॉट ड्रॉबैक्स, दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। At least he was the first scientist who explained or who gave that atomic theory, means matter जो है वो बहुत smallest particle से मिलकर बना है, और इसने जो है एक तरीके से chemistry के अंदर जिसमें matter की deeply study हो सके उसके लिए एक base prepare किया। And now these are various questions in front of scientist कि वो discover कर सके कि ऐसा सब कुछ क्यों होता है। The first is isotopes, isotopes में एक ही एलिमेंट के एटम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। आइसोबार्स जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स सेम हैं।
केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, पार्टिसिपेट करने के बाद अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में वर्क करता है, ओके, एंड एटम्स आर डिविजिबल ऑल्सो, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे. वी हैव लर्नड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस. सो हैव ए नाइस डे. बाय. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. And इस chapter से related और videos आपकी screen पे shown है. And please keep updated with yourself about our further videos.